अलवर शहर में अवैध प्लॉटिंग चल रही है, जिसको लेकर आज ज्ञापन सौंपा गया। मंदिर समूल चौक पर प्लॉटिंग की जा रही है, अवैध दुकान बनाई जा रही है, उसके विषय में पूर्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से बताएंगे कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और कार्रवाई नहीं हुई तो दो चार दिन के बाद आंदोलन किया जाएगा। आए हैं, ये जो शहर में अवैध प्लॉटिंग चल रही है, खासकर जो मंदिर माफिक में सामोड़ा चौक पर प्लॉटिंग की जा रही है, अवैध दुकान बनाई जा रही है, उसके विषय में हम पूर्व में भी UIT अतिरिक्त जिला कलेक्टर सभी को ज्ञापन दे चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आज इस विषय में हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से बताएंगे कि अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अगर अब कार्रवाई अभी नहीं हुई और दो चार दिन तक, तो एक जन आंदोलन होगा, हिंदू समाज में पूर्णतः रोष व्याप्त है, क्योंकि मंदिर माफिक जमीन में भी अवैध प्लॉटिंग की जा रही है। यहाँ बात की जाए मंदिर माफिक जमीन की, तो CM महोदय ने मंदिर माफिक जमीन पर भी पट्टे देने की बात करी। CM महोदय ने पट्टे देने की बात की होगी, पर वो अभी तक ने 90MIA ना 90BMI ने UIT के अधीन आई है। जब 90A हो जाएगा, उसके बाद कोई खरीदार होगा, वो अलग बात है। अभी तो अवैध की जा रही है, जिसमें सरकार को ना कोई मुआवजा दिया मिल रहा है, न सरकार की कोई इनकम हो रही है। ये बेहुदा अवैध मंदिर माफिक जो पंडितों को दान दी हुई जमीन थी, जो पंडितों के माध्यम चलाई जाने वाली जमीन को आज अवैध प्लॉटिंग की जा रही है, उस विषय में ज्ञापन दे रहे हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की ये रणनीति रहेगी, अगर ये सरकार नहीं जागी तो हम इनको जगाने का कार्य करेंगे, इनको हम अल्टीमेट देंगे। 5-7 दिन में अगर कार्रवाई नहीं हुई तो हम एक जन आंदोलन करेंगे। क्या नाम है आपको? जितेंद्र राठौड़। किस विषय को लेकर ज्ञापन दिया गया है आज सामोड़ा चौक में? जो अवैध मंदिर माफिक जमीन पर जो प्लॉटिंग हो रही है, उस विषय को लेकर के हम श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के पास ज्ञापन देने आए हैं। पूर्व में भी हमने ज्ञापन दिया, जिसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने के माध्यम से ये जताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से ये मंदिर माफिक ज़मीनों पर अवैध तरीके से प्लॉटिंग हो रही है, इन पर उचित कार्रवाई की जाए। इसीलिए हम आज यहाँ पर सभी हिंदू महासभा के कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं और हम ये ज्ञापन दिया है। आगे की क्या रणनीति रहेगी? आगे सुनवाई नहीं होती है, अगर सुनवाई नहीं होती है तो हिंदू महासभा व हिंदू कार्यकर्ताओं के द्वारा एक जन आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। क्या नाम है आपका? अखिल भारत हिंदू महासभा, जिला महासचिव दुर्गा प्रसाद। ज्ञापन देने आए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देखते रहिए KVP भारत। नमस्कार।